आज मैं बनाऊंगी बनारस के फेमस कचौड़ी और घुघरी सुबह का नाश्ता। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी खस्ता कचौड़ी और चने की घुघरी, जो कि मेरी फ्रेंड लोग घुघरी और कचौड़ी का रेसिपी डालने के लिए बोली है। मेरे बनारस का फेमस कचौड़ी और घुघरी का नाश्ता सुबह होता है, तो आइए बनाते हैं। एक गहरा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम मैदा डालेंगे। ये मेरा 250 ग्राम मैदा है, 250 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा अजवाइन डालेंगे, हाथों से ऐसे रगड़ लेंगे। इस थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे इसमें। दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे खस्ते के लिए। इसको पूरा मिक्स कर लेंगे, ऐसे मिला लेंगे हाथों के सहारे। मोयन कायदे से दिला जाएगा इसमें, तो हमारा कचौड़ी बहुत खस्ता बनेगा। ये हमारे बनारस का सुबह का नाश्ता हर गली हर चौराहे पे आपको मिल जाएगा, कचौड़ी और घुघरी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको सानते जाइए। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए एक बार में, थोड़ा थोड़ा पानी का यूज करिए। हम इसको थोड़ा कड़ा ही सानेंगे। ये मेरा मैदा गुठा गया है, देखिए, ना ज़्यादा मुलायम ना कड़ा। तो हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा करके इसको हम ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक आटा मेरा सेट हो रहा है, तब तक हम इधर घुघरी बना लेते हैं। ये दोस्तों काले वाला चना है, हमने फुलो के रख लिया है, इसी का घुघरी बनता है। 3 चम्मच तेल डाल देंगे। थोड़ा हींग डालेंगे, इसी में एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको चला लेंगे। घुघरी में प्याज पूरा लाल नहीं होता है दोस्तों, आधा कच्चा रहता है। तो इसमें हम अदरक लहसुन और मिर्चा और आधा प्याज का पेस्ट बनाया है, तो इसको डाल देंगे एक कटोरी। इसको भून लेंगे थोड़ा। पेस्ट भी भून गया, तो इसी में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी आधी चम्मच, इसी में डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। इसमें चना डाल के हम भूनेंगे। इसको 5 मिनट हम भूनेंगे। इसी में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, सारा मसाला और चना भून जाएगा तो इसमें हम पानी डाल के सीटी लगा देंगे। ये बनारस में सुबह का नाश्ता यही होता है, कचौड़ी और घुघरी। चेक कर लेते हैं, देखिए चना और मसाला भून गया है दोनों साथ में। इसका जो है कि पानी डालेंगे एक गिलास, क्योंकि ये पानी वाला बनता है, गाढ़ा नहीं बनता है, तो इसको हम एक गिलास पानी डाल देंगे। 4 सीटी होने तक इसको हम पकाएंगे, 4 सीटी होने तक बंद कर देते हैं। ये कचौड़ी बनाने के लिए 4 आलू हमने बॉईल करके रख लिया है, तो इसको हम भूनेंगे 1 चम्मच तेल में। तो ये आलू को हम फोड़ लेते हैं यहीं पे हाथों के सहारे। ये कचौड़ी में भरने के लिए आलू तैयार कर रहे हैं, जैसे समोसे का आलू तैयार होता है उसी तरह कचौड़ी का होता है। थोड़ा हींग डालेंगे, राई डालेंगे यहीं पे थोड़ा सा, लहसुन मिर्चा अदरक का मैंने चिली कटर में रेत लिया है, रेत का डालेंगे इसको धीमी आंच पे।
इसी में धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि घुघरी में भी नमक है तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी डालकर हम भूनेंगे। मसाला मेरा भून गया है तो आलू डाल देंगे, इसको मिला लेंगे। यहीं पे मेरा घुघरी भी बन रहा है और ये कचौड़ी के लिए आलू तैयार कर रहे हैं। ये हम चार पांच लोगों के लिए बना रहे हैं तो मेरा मसाला तैयार हो गया है। यहीं पे डाल देंगे धनिया पत्ता और इसको चलाकर मिलाकर बंद कर देंगे गैस को। मेरा फिलिंग तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लिए हैं 10 मिनट के लिए, ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तब हम भरेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा घुघरी हो गया कि नहीं। घुघरी तो मेरा बहुत ही बढ़िया हो गया है। देखिए बढ़िया से हो गया है। तो इसी में हम धनिया पत्ता डालेंगे। इसी में धनिया पत्ता डाल करके ढक देंगे। हमारा घुघरी हो गया, चलिए कचौड़ी बनाते हैं। हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें गर्म होने के लिए। तो देखिए आटा भी मेरा हो गया है बढ़िया सा। आटा हमें गीला नहीं करना है, जैसे हम समोसा का बनाते हैं उसी तरह इसका भी आटा कचौड़ी का भी रहता है। ऐसे ऐसे करके हम काटेंगे चाकू से, तो आगे वाला हिस्सा हम निकाल देंगे काट करके। छोटा छोटा लोई हमें लेना है। छोटी छोटी लोई हमें लेनी है, हम छोटी वाली कचौड़ी बना रहे हैं। तो आलू मेरा ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के लिए मैंने रखा था इसको 10 मिनट के लिए। छोटी छोटी लोई बना लेते इसी तरह सारा। पहले छोटा छोटा बेल कर इसको हम रख लेंगे कचौड़ी के लिए, इसी तरह सारा बेलेंगे। चारों तरफ से हम बराबर बेलेंगे, ना मोटा ना पतला, बराबर रहना चाहिए। अब इसी में हम फिलिंग भरेंगे आलू का, इसको हम कवर कर देंगे ऐसे करके। ये छोटी वाली कचौड़ी इसी तरह सारा हम कवर करेंगे। आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकती हैं, बड़ा कचौड़ी भी बना सकती हैं, हम छोटा बना रहे हैं। ये हमने सारा भर लिया है तो इसको हम डालते हैं तेल में। हमको एकदम लो फ्लेम पे इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे इसको। तेज़ आंच में हम नहीं इसको बनाएंगे, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। हम इसको चलाएंगे, पलट लेते हैं। एक तरफ थोड़ा हो गया है तो इसी तरह पलट उलट पलट के हम इसको पकाएंगे कायदे से। एकदम खस्ता कचौड़ी बनेगा ये। देखिए हमारा कचौड़ी हो गया है, थोड़ा समय लेता है लेकिन बहुत बढ़िया बनता है, एकदम खस्ता। हम इसको निकाल लेते हैं। यहीं हम और डाल देते हैं कचौड़ी।
देखिए हमारा सारा बन गया है, कचौड़ी निकाल लेते हैं। देखिए कितना खस्ता बना है कचौड़ी हमारा, ये बहुत तेज जल रहा है। देखिए एकदम मुलायम कचौड़ी बना है। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं, जैसे मार्केट में हम लोग खाते हैं उसी तरीके से। मार्केट में दुकान वाले भैया इसी तरह हम लोग को देते हैं, तो हम उसी तरह बना रहे हैं। इसको तोड़ के रखेंगे, लेंगे घुघरी चने वाली, थोड़ा ग्रेवी, हरी धनिया की चटनी बनाई है, इसमें लहसुन अदरक मिर्चा पीसे हैं, तो चटनी थोड़ा डालेंगे ऊपर से, थोड़ा प्याज डालेंगे, इसी में नींबू डाल देंगे दो चार बूंद, थोड़ा धनिया पत्ता। दोस्तों कचौड़ी और घुघरी की रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आई हो आज की, तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू।